Subscribe kare channel technical Soni ji and press on bell icon latest technology videos sabse pehle paane ke liye. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेक्निकल सोनी जी में और मैं आपका दोस्त संदीप सोनी लेके आया हूँ एक नई टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस के जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म दोबारा क्यों भरे गए थे उसका अनुमान तो आपने लगा लिया होगा कि पहले जो 5000 पदों के लिए जो आवेदन के लिए जो भर्ती की गई थी उस आवेदन की भर्ती को बाद में रद्द कर दिया गया। और उस भर्ती को रद्द इसलिए किया गया क्योंकि उसमें काफ़ी जो सेंटर्स थे वहाँ पे ब्लूटूथ या फिर अदर कोई भी टीम व्यूअर ऐसे से कोई सॉफ्टवेयर थे जिसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में कंप्यूटर को हैक करके उनका क्वेश्चन जो भी पेपर था वो वहीं से हर कहीं बैठे उसको हल कर दिया गया था और जिसकी वजह से उस एग्ज़ाम को बाद में रद्द कर दिया गया। उस एग्ज़ाम को रद्द करने के बाद में राजस्थान पुलिस ने दोबारा पूरे फॉर्मों की जांच पड़ताल के बाद में यह आदेश दिया कि सारे फॉर्मों को दोबारा भरा जाए और फिर उन्होंने टोटल कुल 13,142 पदों की सम्मिलित एक भर्ती जारी कर दी जिसमें जो पहले आवेदन किए गए थे उन आवेदनों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। और यह कहा गया है कि आप जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया उनकी कोई फीस नहीं होगी। ये तो आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह से क्या आवेदन किया गया था। और दोस्तों, अब की बार जो आवेदन किया गया था उस आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून कर दी गई थी और 13 जून तक टोटल 14 लाख ही फॉर्म अप्लाई कर सके, जिनका नया और पुराना आवेदन दोनों को मिला के 14 लाख ही आवेदन कर पाए हैं। जैसा कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि टोटल कितने, एक भास्कर की न्यूज़ है उसमें दे रखा है कि कितने आवेदन लगाए गए हैं और जिनमें से टोटली 14 तारीख को जो लास्ट डेट थी उसमें 30% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे और बाकी के जो 12.5 जो हैं वो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित किए गए थे। और दोस्तों, ये जो पहले की तुलना में जो फॉर्म भरे गए थे उसकी तुलना में अब की बार जो फॉर्म भर गए हैं वो न के बराबर हैं। अब तो उन्होंने अपना निर्धारित टाइम भी 14 जून ही कर दिया था और इसके लिए लोगों को काफ़ी, अपने जो मेरे भाई बहन हैं उन सभी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फॉर्म भरने के लिए। काफ़ी जो हैं वो अभी भी आवेदन लेके घूम रहे हैं लेकिन अब उसका कुछ नहीं होना क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 14 और 15 जुलाई भी निर्धारित कर दी गई है लेकिन अनुमानित तारीख है इस एग्ज़ाम, यहाँ पे इस तारीख को कोई एग्ज़ाम होना संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी बीच में ये अड़चनें आ रही हैं कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को किया जाए क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम होगी उसमें पूर्णतया सावधानी बरतनी होगी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों को इसका बार बार खामियाजा नहीं भुगतना पड़े क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही सख्त होना होगा। इसके लिए काफ़ी कड़े कानून बनाने होंगे। अगर कड़े कानून नहीं बनाए गए तो दोस्तों इसका खामियाजा फिर से हम सभी स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। मैं तो अपने वीडियो के द्वारा यही चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम की जो तारीख है वो आराम से आए क्योंकि दोस्तों अगर जहाँ तक जब तक सरकार एक पुख्ता कदम नहीं उठाएगी तब तक इस एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम फिर से वही, और जहाँ तक हो अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन कराई जाए तो बेहतर है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराई जाए तो जो जहाँ भी एग्ज़ाम लग रही है उस सेंटर पर कम से कम इतनी पाबंदी लगा दी जाए कि वहाँ पे कोई भी अदर जो भी कंप्यूटर्स हैं उसको वहाँ से हैक नहीं किया जा सके, उन सभी साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। दोस्तों, राजस्थान पुलिस को अब एग्ज़ाम करने के लिए बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी जो ब्लूटूथ हैं, जो ऑनलाइन ट्रीम व्यूवर है या फिर एनीडेस्क का ऐसे सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन कंप्यूटर को हैक करके उनके द्वारा कहीं और बैठे सारे क्वेश्चन हल किए जा रहे थे, उसको ये सतर्क करना होगा अब कि जो भी मेन सर्वर है वहाँ पे इन साइट्स को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओनली जो राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम लग रही है वही चले क्योंकि एक जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ भी एग्ज़ाम लग रही है वहाँ पे सिस्टम होता है कि आप उन सर्वर्स अदर जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकें। तो अगर ऐसा करेंगे तभी जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम संभव हुए, अदरवाइज ऑफलाइन एग्ज़ाम एकदम ही संभव जो पहले हो रहा था वो बिल्कुल सही है, मेरी तो यही राय है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो 14 व 15 जुलाई जो एग्ज़ाम में निर्धारित की गई है वो कोई संभावित तिथि नहीं है, फिर भी आप अपने सभी दोस्तों को ये बताएं कि ये एग्ज़ाम इस दिन हो सकती है क्योंकि मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, शायद ये एग्ज़ाम इस तारीख को हो सकती है, ना कि कन्फर्म है।
और हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों, एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और आपके कोई सुझाव हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, क्योंकि मैं लेके आऊँगा आपके लिए ऐसे ही नई नई टेक न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।